हेलो एसजीटीबी स्टूडेंट्स, आई एम प्रतिमा फ्रॉम एसजीटीबी। स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग द चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। सो वी लर्नड यस्टरडे व्हाट इज मीडिया। मीडिया इज द कम्युनिकेशन आउटलेट्स और टूल्स यूज टू स्टोर एंड डिलीवर इंफॉर्मेशन और डाटा। ओके, सो हमने मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी रीड किया था। तो ये टेक्नोलॉजी कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है, मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया इज़ जो हमें मैटर, जो भी कंटेंट हमें प्रिंटेड में रीडिंग करने से मिले, होते हैं न्यूज़पेपर और मैगज़ीन। ओके, ये क्या है? प्रिंटेड मैटर होते हैं जिनसे इंफॉर्मेशन हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है, जिसे हम रीड करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है? टीवी, रेडियो और आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स भी हैं जिसपे हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस पे क्या होता है कि बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से सैटेलाइट के थ्रू ये विजुअल फॉर्म्स में टीवी के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस होती है पिक्चर इमेजेस की फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में, लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करती हुई सैटेलाइट के थ्रू हम तक पहुंचती हैं। लाइक जैसे कार्टून्स होते हैं जो ज़्यादातर, कहाँ हमने कल एग्जांपल किया था, ज़्यादातर हम ये जापान में बनते हैं और यूएसए में, तो ये हम इजीली जो है अपने टीवी पे देख सकते हैं। नाउ टुडे वी आर डूइंग मीडिया एंड मनी। स्टूडेंट्स, मीडिया को मनी मीन्स की जो मीडिया हाउसेज होते हैं, जो हम तक काफ़ी प्रोग्राम्स पहुंचाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उनका मनी का सोर्स मींस कि वो अर्निंग पॉइंट्स कहाँ से रिलेट करता है। द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। जो भी मास मीडिया मींस कि प्रोग्राम्स बनाने के लिए मीडिया में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली, महंगी, कीमती होती हैं। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़ रीडर सिट्स। इट हैज़ लाइट्स, कैमराज, साउंड रिकॉर्डर्स, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट्स एट्रेट्रा, all of which cost a lot of money। Means students, जहाँ पे अगर आप, हम सोचें कि जहाँ हम जब टीवी देखते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हैं, हम देख रहे हैं जहाँ पे जो न्यूज़ रीडर बैठा है या बैठी है, वहाँ से वहाँ पे कितनी चीज़ों का यूज़ होता है, कितनी टेक्नोलॉजी, कितने इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है। लाइक लाइट्स भी होती हैं काफ़ी तरह की, कैमरास काफ़ी तरह के होते हैं, साउंड रिकॉर्डर्स, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट्स, काफ़ी कुछ होता है जो कि बहुत ही कॉस्टली आता है, जिसपे बहुत ज़्यादा मनी जो है स्पेंड होती है। ओके, इन द न्यूज़ स्टूडियो इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर हु नीड्स टू बी पेड, बट ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर पीपल हु हेल्प पुट द ब्रॉडकास्ट टुगेदर। सिर्फ न्यूज़ रीडर ही नहीं होता कि जिसे हमें पे करना होता, हमें मीन्स कि न्यूज़ चैनल वालों को पे करना होता है कि वो न्यूज़ रीड कर रहा है, बल्कि जो भी उस ब्रॉडकास्ट में मींस कि जो प्रसारित हो रहा है, जो भी प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है, हम तक पहुंच रहा है, उसमें जो भी पर्सन्स हेल्प करते हैं, कुछ कैमरामैन्स भी होते हैं, लाइट मैन भी होते हैं, तो उनको भी पे करना पड़ता है, इन्हें सभी को एक साथ। दिस इंक्लूड्स हु दोज हु लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट्स ऑल्सो, जिस जो कैमरा और लाइट्स का ध्यान भी रखते हैं, वो पर्सन्स भी होते हैं। एज यू रीड अर्लियर द टेक्नोलॉजीज that mass media use keep changing, so a lot of money is spent on getting the latest technology। अब जो भी हम देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो उसे जो खरीदने में, ताकि उनका प्रोग्राम जो है इफ़ेक्टिव बन सके, उसे खरीदने में भी काफ़ी मनी जाती है न्यू टेक्नोलॉजी को। ओके, ड्यू टू दीज कॉस्ट द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए मास मीडिया, जो भी मीडिया के चैनल्स हैं, उनको बहुत सारी मनी चाहिए इन सब कामों को करने के लिए। एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस।
काफ़ी सारे जो टीवी चैनल्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, वो एक बिजनेस हाउसेस का पार्ट होते हैं। मीन्स एज अ बिजनेस ही वो कोई ना कोई अर्निंग बेस प्रोग्राम करते हैं। मास मीडिया इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। मास मीडिया जो होता है वो लगातार जो है मनी मीन्स पैसे को कैसे बनाया जाए, कैसे लाया जाए पैसा, उसके बारे में सोचती रहती है। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक कार्स, चॉकलेट्स, क्लॉथ्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, हम जो भी प्रोग्राम देखें, कुछ भी देखें, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, कुछ भी हो, कोई एंटरटेनिंग प्रोग्राम हो, उसके बीच में हम देखते हैं काफ़ी सारी एड्स आती हैं, वो रिलेट करती हैं कार्स की आ गई, कभी कभी चॉकलेट्स की आ गई, कभी क्लोथ्स की आ गई, कभी मोबाइल फ़ोन्स की आ गई। तो ये एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, जो भी ये चैनल दिखा रहा है, जो भी ये चैनल उसे शो कर रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट जो बनवाता है उस पर्सन से चार्जेस लेते हैं। जितने ये मनी डिपेंड करती है कितने मिनट्स की एड है, वो एड जो है चैनल के कितने मिनट्स ले रही है उस अकॉर्डिंग पे करते हैं न्यूज़ चैनल्स को। ओके, और ये एडवर्टाइजमेंट किस लिए दी जाती हैं, इस होप में दी जाती हैं दैट यू विल गो आउट एंड बाय व्हाट इज़ एडवर्टाइज। जो भी एडवर्टाइज किया गया है, जिसकी एड दी गई है, उसे आप जाओ बाहर और ख़रीदो। ओके स्टूडेंट्स, तभी जो है एड इफ़ेक्टिव होती है और न्यूज़ चैनल जो है, कोई भी टीवी चैनल जो है, तभी कामयाब होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यहाँ तक आपको रीड करना है। ओके, थैंक यू।